हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? अस्सलाम वालेकुम। तो एक और अस्सलाम वालेकुम सबको। देखो यहाँ आके सलाम करना पड़ता है, इसका फिट कर दिए लिए। अब मैं बोला क्या, ये तो व्लॉग में लेनी नहीं है, मैं खुद चालू कर देता हूं इसके यहां पर आके व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम। आप जरा देखेंगे हमको फोन करके बुलाइए, हम काम कर रहे थे घर के पास। अम्मी जल्दी आओ, फ्रिज एक्सचेंज हो गया है, मम्मी अभी आ रही हो गया है क्या? होने वाला है हो गया, हो गया, हो गया। आओ तुम लोग को भी दिखाता हूँ भाई, पूरा स्टाइल लेके चल रहा हूँ। नहीं रुको रुको रुको, ये पूरा स्टाइल लेके जल्दी की जरूरत नहीं मुझे, मैं निकालता हूँ इसको। छह घंटा चालू होगा क्या? मत कर मत कर मत कर। ओ जीनत क्या बात है, वो लगो नई फ्रिज। अब तो तू दवा के मरेगी राशन। अच्छा सब बना था माँ, ये इसका इस घर में लेकिन रखने का वो नहीं था। मैं ये वाला खाएगा पास्ता, ये ऐसे चढ़ा दी माँ, चढ़ा दी चढ़ा दी। आखिरी पास्ता ओहो सब खाली है। जीना देख कैसे हुआ जादू, मेरे को समझ में नहीं आया। मेरे को भी नहीं समझ में आया क्या बोला। नहीं ये जादू ऐसे हुआ ना, नहीं ये ना पांच छह बार आ गया बना बना के, वो खुद ही आ गया। उन्होंने नहीं किए, ये जहाँ से सर्विस सेंटर थर्ड पार्टी है लोग की। अच्छा थर्ड पार्टी के बाद वो लोग एल जी भी बनाते सब जाते सर्विस सेंटर, एक सर्विस सेंटर को लोग ने दे दिए काम अपना, लोग आगे बना के जा रहे। तो मैंने क्या करी ना, एक व्हाट्सएप पे वर्लपूल की डायरेक्ट कनेक्ट होता है व्हाट्सएप पे, मैंने उसको कनेक्ट करी, उसको कांटेक्ट की ना, तो उसने एक बंदा भेजा, फिर उसने वापस एक बंदा भेजा बनाने के लिए, नहीं दो बार सिर्फ चेक करने के लिए भेजा। मैं चिढ़ गई कि सिर्फ चेक कर करके जा रहे। तो बाद में कॉल आता है कि मैडम ये रिप्लेस हो जाएगी। मैं बोले बहुत बोलते हैं आप लोग, कुछ नहीं करते, अब हम लोग कंफ्यूज। तो बोले मैडम आपने व्हाट्सएप पे कंप्लेंट डाली है ना, बोले हाँ, तो ये कंपनी से आई है। अच्छा ये सीधा तो वर्ल्पूल वाले को थैंक यू। नहीं मैंने कंप्लीट क्या लिखी, हाँ मैं यूट्यूबर डाल दूंगी पूरा पूरा आपका, इसका बता दे रही हूँ पहले ही, बस मैं बोल रहा नहीं। नहीं 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 अभी अच्छा तो बोल भाई, अच्छा तो बोल। अरे अभी तो तारीफ तो बनती है ना, अल्लाह की थैंक यू तो बन गया है कि मेरी कंप्लेंट सुनी थी, कि मैंने डायरेक्ट कंपनी में कंप्लेंट की थी, फिर सर्विस सेंटर में कॉल। जब मेरे को समझ में आ गया ना कि सर्विस सेंटर थर्ड पार्टी है, वो बंदा मेरे पास घर में खड़े रहे के भी कुछ करने लायक हो गई। वाह वाह वाह, जिधर अपना हक मांग के लिए तूने। हर इंसान है ना बेटा वक्त के साथ सीखता है। ये जीनत के अंदर नहीं था, जीनत का ऐसा था कि नहीं हो रहा ना, जाने तो छोड़ दो, जाने तो छोड़ दो। ये पहली बार हम लोग भी देख रहे, उसने ना कुछ चीज करके ली है, जाने तो छोड़ दो नहीं की। लेकिन कल तक ये बोल रही थी मैं नहीं फ्रिज ले लेती हूँ, इसको छोड़ देती हूँ। खुशी खुशी बोली नंबर बोलो क्यू आर करूंगी। क्योंकि मैं ऐसी सोच रही थी ना कि घाटे में जाऊँ, तो घाटे में उसके फोन करने के बाद तक तीन दिन पहले उसने फोन किया था, लेकिन मेरा कल तक ऐसा था मैं एक्सचेंज करूँ। अरे फ्रिज स्टिकर के निकला है, एक पानी है। ये ऐसा तो नहीं ना किसी दूसरे की खराब फ्रिज तेरे को चिपका के चले गए, बोले एक्सचेंज मार देते इसका उधर उसका इधर। खोला देखो थर्माकोल वगैरह, अरे सारा नहीं क्यों बात, ये देखो थर्माकोल, ये खोला है इसकी खुशी ना बर्दाश्त। पुरानी फ्रिज पैक करके लगे गया बाकी थर्माकोल में। आप लोग समझ रहे हैं ऐसा, और को देगा ना, इतनी एक्साइटेड हो गई। अरे वो ऐसी लेके जाएगा किसी के पास, देखो नई फ्रिज लेकर आया हूँ। समझ में नहीं आ रहा की क्या बोल रही, मेरी क्यों नहीं है मालूम, पीछे से देख मेरी जो पीछे से गई है वहाँ थी ला, वहाँ थी ला। वो तांबे तांबे की गई है क्योंकि वो रिपेयर समझ में आती है, ये नहीं है देख पूरी लुक के साथ। जिनी ऐसा नहीं हिलाते, ला मस्ती कर रहा हूँ मैं। नहीं नहीं ऐसी हिलाएंगे ना फिर फ्रिज में, फिर वो वापस दो घंटा तेरे को रुकना पड़ेगा। अरे वो लोग तो पूरा हिलाएंगे, बोले अरे उनका सिर बंद हो जाएगी, तो बोले अरे नहीं बेटा फिर गाड़ी पे तो कितनी हिल गया। चलो हम लोग के लिए कुछ बना दिए जिनत, पास्ता चढ़ाई हूँ मैंने। सुन मैं क्या बोल रही हूँ, फ्रिज कभी भी ये घर से वो घर शिफ्टिंग होती है या घर सफाई करने में हिलाते अपन इधर से उधर, तो उसको डायरेक्ट नहीं चालू करते, टाइम लगता है। कम से कम चार छह घंटा उसका ऑयल है ना एक तरफ नीचे बैठने देते हैं, उसके बाद फिर चालू करते। पास्ता देखो नए तरीके से बना रही, व्हाइट सॉस पास्ता बना रही तू, बिना गैस के बना रही क्या? नहीं तो ना क्या होएगा मालूम, फिर तेरे फ्रिज नई तरीके से बना रही है, नए तरीके से खा लेगा, मजे लेके नहीं खा लेगा।
इसके लिए मैं बोल रही अभी ना फ्रिज को चालू करने में घाई मत कर, नहीं कर रही हूं, आराम से कर 7-8 बजे मगरिब के बाद। अरे भाई हम लोग यहाँ पर आए हैं, जफीर भाई दिख रहे नहीं है भाई। हाँ, वो बाहर ही है दोस्त लोग के साथ। ओह आजादी, आजकल बाहर जा रहे थोड़ा। अच्छा एंजॉय करे, अच्छा अच्छा एंजॉय करना चाहिए। अभी आ रहे बोलते बुखार बुखार लग रहा है। ये बनाया है इसने रूह अफ़ज़ा, मैं नहीं, मेरे को पसंद ही नहीं है रूह अफ़ज़ा, मेरे को सिर्फ फालूदे में पसंद है। इसने रूह अफ़ज़ा निकाला खुद से बनाया और इसको मजा भी नहीं आया। अरे जीना एक आज का तूने इलाज कर दी ना, ठीक है ठीक है ठीक है। हिमालय का टूथपेस्ट, सोसाइटी की अचार। ये जीनत पास्ता ही बना रही ना, सालन वालन तो नहीं बना रही ना? नहीं 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 नहीं, पास्ता बना रही हूँ बस, उसमें कुछ भी नहीं है लाइक अंडा टमाटर, वो भी एक है। आज से ही वीडियो बनाना स्टार्ट क्यों? मस्त बनेगा तू देखना। नहीं बना तो अच्छी आ रही है, खुशबू तो अच्छी आ रही है भाई, आ रही आ रही। आजकल मैं बना रही हूँ अच्छा अच्छा खाना। ओहो मतलब अच्छा अच्छा इन द सेंस ऐसे एंटिक खाने जैसा खा रही। अरे बाबा तू ये सब में ही अच्छी है, एंटिक खाना शुरू से अच्छा बनाती है आजकल की। तू तेरा मोमोज चाइनीज ये सब जो फास्ट फूड है ना, तू घरेलू रेसिपी से अच्छा ये सब बनाती है। ओहो अम्मी मजा आया तुमको। आज की खास बात क्या मालूम क्या, जीनत का पास्ता और नानी के बर्तन में, ये नानी ने अम्मी को शादी में बर्तन दिए थे। और ये देखो इसकी चमक देखो, आज भी वैसी की वैसी है 30 साल बाद, 30 नहीं ज्यादा। मैंने मेरी बेटी को हमारा पास्ता भी चमक गया है, वाह। तो 35 साल के बाद भी तुम्हारी प्लेट चमक रही है और उसमें आज तुमको खाना नसीब हुआ, वो भी अपनी बेटी के हाथ। पहले ये थे कोई माँ अपनी शादी के बर्तन संभाल के रख के बेटी की शादी में दिए, वो बड़ी बात है। मेरे बर्तन को धक्का तक नहीं लग देती है ना, सही बात है, हकीकत है। और इसमें की एक छोटी प्लेट हमारे घर पे है जिसमें हम लोग अभी भी खाते हैं, ये डिजाइन याद है मेरे। दीदार बात है, तोड़ रही है तू, तोड़ रही है तू। नींबू दे, नींबू जीरत बैठ जाना साथ में। हाँ बात तो सही है, बात तो सही है, कितना भी इटालियन डिश खा लो नींबू लगता है। शेयर मत करो, लेकिन ये तो पास्ता है ना, इटालियन डिश है ना। लेकिन मेरे को नहीं पता टेस्ट, रोज नींबू दे देके आदत खराब की ना इसके साथ। वो हिंदुस्तानी बनाते हो भाई, क्या करी इसने, इसमें मेयोनीज भी है, सोया सॉस भी है, तो मतलब नींबू दिख रही है। अरे हाँ, अच्छा बताओ नाम बताओ, दो दो पास्ते का नाम बताओ किसको पता है। मिक्स पास्ता, ये है पेने पास्ता, देखो पेने पास्ता, ये पेने पास्ता है। तू दो चम्मच लेके बैठा ला। और ये स्पैगेटी, नहीं स्पैगेटी लंबा वाला रहता है, यही है ना, ऐसा जो लंबा लंबा नूडल की जैसा रहता ना उसको स्पैगेटी बोलते। चलो बेटा हम लोग पास्ता एंजॉय करते। नानी ने तीन चम्मच वो दे दे हमें। नहीं बहुत मस्त बना, अच्छा नहीं बना, टेस्टी बना। वो नहीं, नानी ने तीन ही प्लेट दे दे। नानी के मेरे पास सेरामिक के बर्तन है, आज मैं सोची वो निकालू। तू बोल रहा तू कढ़ाई में बैठी है ना? अच्छा कढ़ाई के बाहर बैठी। मेरे को बर्तन धोना पड़ता है अभी, बहुत फिर से निकल रहे, सुबह से दो बार धो चुकी हूं, अभी तक फिर निकल गए। वाह। और मेरे जैसे बोलू मैं जमाती नहीं हूँ बेसन में। एक बात बोलू, उसने ना पास्ता ना बहुत अच्छा बना, एक नंबर बना। मैं पास्ता जल्दी खाती नहीं हूँ, लेकिन मैं भी अच्छा लगा करती हूँ। हाँ भाभी गए? नहीं भाई हम लोग ना घर से डायरेक्ट यहाँ नहीं आए, वो तो मेरे को ना लास्ट टाइम पे अम्मी ने बताया कि यहाँ जाने का है। हम लोग हार्डवेयर की दुकान पे थे, नल पसंद कर रहे थे और उसके घर के पास्ता हाथ में आए। नहीं लेकिन आज नहीं, नहीं। एक बात बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं हर चीज में, जैसे कि घर की बात ही नहीं, कुछ हम लोग सेलेक्ट करने भी जाते, कुछ पसंद करने भी जाते, तो लोग भाभी को क्यों नहीं लेके आते, भाभी को भी साथ में लेके जाओ, उनकी भी पसंद होनी चाहिए। ऐसा है ना घर, मतलब हम लोग खाली नहीं छोड़ के आते कभी भी,
अभी अब्बा ऊपर रहते हैं तो नीचे अगर हम लोग मतलब भाभी को लाएंगे तो वो भी खाली रहेगा। धूप में भाई ले लेता है एक्चुअली। लोग ऑनलाइन पहले भाभी से, भाई पूरा घर भाभी से पूछ के किया है, कलर तक देखते हैं, जाके डिस्कस करती है, मेरे से डिस्कस करती है घर कैसा बन रहा है, सब उसकी चॉइस के हिसाब से बन रहा है। और आज भाभी भी घर पे जाके अपना घर देख, दो बार देख कर है, तीन बार देख कर है, नहीं मालूम वीडियो नहीं बनाया मैंने, वीडियो बना के डाले नूर का बराबर प्रतियोगिता। हां वो बराबर जाती है उधर, लेकिन ये हम लोग के साथ नहीं दिखते ना, वो घर पे रहते हैं और बच्चों को संभालते हैं। और सबसे पहली बार आज मेरी भाभी से बात हुई है, मेरे को कोई बोलने ही नहीं दे रहा है। अच्छा, नहीं लेके जाना, हाँ उनको भी मजा आएगा, लेके जा भाई हम उधर नहीं जा रहे, थोड़ा सी नहीं भाई बोला, थोड़ा सी पैक कर दे, गरम करके खा लेंगे वो मस्त में। अमित भाई कॉपी किया अभी को देख रही। और भाभी को मैंने इनवाइट की वापस से कि आओ मेरे घर पे, तो बोलते अरे तुम्हारे भाई और अम्मी लोग ना इतने बिजी है ना घर के काम में कि मैं फिर भी टाइम निकाल के आऊंगा। इसको मारो अम्मी, पास्ता फेंक के मारो, आपा भी वीडियो देख रही रहेगी। सॉरी आपा, वो बिचारी मेरे को हर चीज भेजती है। मारूंगी देखो, ए ले मार का। वीडियो भी एंड कर दो हाँ, क्योंकि ये लोग अभी भाग जाएंगे, मेरे को पता ही है, खा के सीधा भागेंगे क्योंकि यूसुफ का टाइम हो गया। चाय, अरे हाँ, अरे चाय भी तो पी के जाने का, ऐसे कैसे चाय चढ़ाई हूँ मैं इधर। चाय को बॉयल आ जाएगी, पास्ते के बाद चाय। चलो चाय भी आ गई है भाई, ये पी के निकलने वाले आप लोग है क्या? नहीं ये पी के निकलते हैं, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज, पास्ता खा के पसीने निकल, अल्लाह हाफिज बाय, दुआ में याद रखना, और मेरी बेटी का न्यू ही वीडियो देखते रहना और उसको मोटिवेट करना, वो बीमार रहती है तो थोड़ा सा वीडियो नहीं आता है तो उसको समझ के लेना, ठीक है? अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। चाय पीते हैं, चलो गाइस चाय पीते हैं। वो स्टार्टिंग में जो स्टैंड लेके मैं भाग रहा था ना, ये वाला स्टैंड लेके भाग रहा था मैं, फिर दिखा लेके डे पे, बहुत काम आ रहे मेरे। थैंक यू सनाफा, थैंक यू सनाफा। चलो गाइस फिर ये वाला वीडियो यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।